मूलभूत आनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, 11.1, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय को मूलभूत अनुपातिक प्रमेय के नाम से या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, एक गणितज्ञ हुए थे थेल्स, उन्होंने सर्वप्रथम इस प्रमेय को प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। दिया है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ। ABC किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज ABC की भुजा एक भुजा लेनी इसमें, तो एक भुजा मान लीजिए BC, तो एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, तो BC के समांतर इस भुजा BC के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं यहाँ DE, BC समांतर DE खींची गई है, खींची गई है। यह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं AB और AC, AB और AC को क्रमशः AB को ये D बिंदु पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है। करें तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सीधे हमें ये करना है, सिद्ध करना है कि जैसे ये दो बिंदु हैं तो इस AB के दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है A से D और दूसरा B से D, यानी इनका अनुपात AD बटा BD वो बराबर होना चाहिए AE बटा EC के, AE बटा EC, ये सिद्ध करना है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, रचना करने के लिए हमें इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो D से AC पर लंब खींचना है, तो D से AC पर लंब खींचें तो ये AC पर लंब हो गया DF, और E से AB पर लंब खींचने के लिए ये लंब हो गया F के बाद में आ गया G, EG, और हम एक मिलाएंगे यहां रचना में लिखा कि
ए बी, ए बी पर लंब खींचा हमने, ए बी पर लंब हो गया जी ई तथा ए सी पर लंब हो गया डी एफ, ए सी लंब डी एफ खींचा, साथ में बी ई और डी सी खींचा, बी ई और डी सी खींचा, डी सी खींचा। उपपत्ति, हमें सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई, तो यहां देखिए कि त्रिभुज डीबीई, त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज डीसीई और त्रिभुज डीसीई एक ही आधार डीई पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखाएं डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी हैं। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुज बने हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया, क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, तो एरिया डी बी ई बराबर होगा एरिया डी सी ई, डी सी ई ये समीकरण बन गया। एक एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य रेखाओं के मध्य त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, में बराबर होते हैं, ये समीकरण बन गया। एक दोनों पक्षों में एरिया ए डी ई का भाग देने पर एरिया ए डी ई यानी त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल का भाग देने पर एरिया ए आर का मतलब एरिया ए डी ई त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल का भाग देने पर यह हो जाएगा एरिया डी बी ई बटा एरिया ए डी ई, भाग लगा दिया ए डी ई का, बराबर इधर हो गया एरिया डी सी ई बटा एरिया ए डी ई, दोनों में भाग लगा दिया। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से हम यहाँ इसके अंदर
इस सूत्र से मान रखें तो त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल देखें तो डी बी का आधार लिया हमने, आधार लिया डी बी, और इसकी ऊंचाई इस भुजा को आगे बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई हो गई जी ई। तो ये हो गया 1/2 इंटू डी बी का आधार हो गया, डी बी ई का आधार ले लिया हमने डी बी, इंटू इसकी ऊंचाई हो गई जी ई, जी ई बटा ए डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो इसका वही 1/2 इंटू इसका आधार ले लेते हैं ए डी, ए डी इंटू इसकी ऊंचाई हो गई, ए डी को आधार लेते हैं तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो गई जी ई हो गई, जी ई बराबर इधर इसका 1/2 डी सी ई, डी सी ई तो इसका आधार ले लेते हैं ई सी, इंटू आधार हो गया ई सी, इंटू इसकी ऊंचाई देखें तो ई सी को आगे बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई होगी डी एफ, डी एफ बटा 1/2 इंटू एरिया ए डी ई, ए डी ई इसका एरिया देखें तो अब की बार आधार लें इसका ए ई, ए ई इंटू इसकी ऊंचाई ले ली हमने ए ई पर ऊंचाई हो गई डी एफ, डी एफ। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कट हो जाएगा, इधर 1/2 से 1/2 और डी एफ से डी एफ कट हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा बी डी बटा ए डी और बराबर इधर हो गया ई सी बटा ए ई, या इसको हम व्युत्क्रम लिखें तो व्युत्क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा, व्युत्क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा ए डी ऊपर लिख दिया ए डी बट्टा बी डी, और इधर हो जाएगा ए ई बट्टा, ए ई बट्टा ई सी इति सिद्धम। यहां हमें इन अनुपातों को कुछ अन्य प्रकारों में भी हमें इसको याद कर सकते हैं संक्षिप्त में, तो वो अन्य इसके रूप हैं, जिसे मान लो इसमें यहाँ पहला तो हो गया ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी एक रूप, दूसरा रूप हो गया इसी को हम व्युत्क्रम में लिख दें तो वही बात होगा बी डी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई। इसका तीसरा रूप है जिसको हम पूर्ण भुजा के रूप में लिखें, तो इधर जैसे इधर लिया ए डी, हमने त्रिभुज की भुजा ली ए डी और उधर पूरी भुजा ले ली ए बी, तो ये हो जाएगा ए डी बट्टा ए बी, और इस साइड में हो जाएगा इधर ए डी लिया तो इधर आ जाएगा ए ई, ए ई ए ई बट्टा ए सी पूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए ई बट्टा ए सी। इसका दूसरा रूप चौथा रूप ये हो जाएगा कि इसी को हम व्युत्क्रम लिखें तो ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए ई, और इसका जो पांचवा रूप है वो ये होगा, पांचवें रूप में हम देखें तो अब की बार हम लिखते हैं बी डी, बी डी के साथ में पूरी भुजा ले ली ए बी, तो ये हो जाएगा बी डी बट्टा ए बी और बराबर इधर हो जाएगा ई सी, ई सी बट्टा ए सी, ई सी बट्टा ए सी, और छठा हो जाएगा इसको व्युत्क्रम लिखने पर, छठा व्युत्क्रम लिखने पर ये हो जाएगा ए बी ऊपर आ जाएगा ए बी बट्टा वा बी डी और इधर हो जाएगा ए सी बट्टा वा ई सी। तो इस त्रिभुज की भुजाओं में अगर एक भुजा के समांतर रेखा जाए खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उनका जो अनुपात है वो अनुपात हम इस तरह से 6 रूपों में लिख सकते हैं। तो
हमें इन 6 रूपों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, या लिखने का तरीका हमें इसमें आ जाना चाहिए कि किस किस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ये हमारी प्रमेय जो है यहीं सिद्ध हो चुकी थी। मूलभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। यहाँ हमें दिया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दिया है हमें इसमें एक त्रिभुज ABC, और ये एक त्रिभुज बनाया त्रिभुज हो गया ABC। इस त्रिभुज ABC में एक रेखा DE, ये DE है, रेखा DE 2 भुजाएं कौन सी? AB और AC, AB और AC को समान अनुपात में, यह अनुपात है जो AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC में, AE बटा EC में विभाजित करती है, अनुपात है वो समान ही हमें दिया है। सिद्ध करना है कि DE समांतर EC, DE समांतर BC। इसमें रचना करते हैं, माना DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, बल्कि DE डेस डी ई डे समांतर बी सी है। उत्पत्ति डी ई समांतर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ई डे समांतर बी सी रचना से, तो BPT से मूलभूत अनुपातिक प्रमेय से, मूलभूत अनुपातिक प्रमेय से, शॉर्ट में हम BPT कह सकते हैं इसको, BPT से इस प्रमेय से क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य शेष 2 भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका अनुपात हो जाएगा AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा ED, क्योंकि DED समांतर है इसलिए AED बटा ED C। ये समीकरण बन गया एक। हमें दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर दिया गया है AE बटा EC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
दिया है ये, एक व दो से, दोनों में एक एवं दो में देखें तो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी दोनों के बाएं भाग बराबर है, इसलिए दाहिने दोनों भाग भी बराबर होंगे। अर्थ ए ई डेस बटा ई डेस सी बराबर ए ई बटा ई सी, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो इधर भी प्लस एक कर दिया, इसमें भी प्लस एक किया, इसका लघुत्तम लेंगे, इसका भी लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम आ जाएगा ई डेस सी, लघुत्तम आया ई डेस सी, ई डेस सी का भाग देंगे ई डेस सी में एक बार, तो ये आ जाएगा ई ए ई डेस प्लस एक का भाग देखें ई डेस सी में, तो ये आ जाएगा ई डेस सी बराबर इधर इसका लघुत्तम आएगा ई सी, तो ई सी का इसी में भाग देंगे एक बार, एक से गुणा किया ए ई को तो ये हो गया ए ई, और प्लस एक से भाग देंगे ई सी को तो ई सी को ए से गुणा करने पर ये हो गया ई सी, दोनों को जोड़ें ए ई डी एस और ई डी एस सी को जोड़ें, चित्र में देखिए ए ई डेस और ई डेस सी इन दोनों को जोड़ें ए ई डेस सी तो ये बन जाता है ए सी, तो ये हो गया ऊपर हो गया ए सी बटा नीचे हो गया ई डेस सी, इसी प्रकार ए ई और प्लस ई सी को जोड़ें तो ए ई और ई सी को जोड़ने पर यहाँ ए से ई और ई से सी तक जोड़ने पर ये बन जाएगा ए सी, तो ये हो गया ए सी बटा ई सी, तो यहाँ ए सी से ए सी कट हो जाएगा, एक एक बार तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ई डेस सी बराबर हो गया ई सी, ई डेस सी बराबर ई सी, तो यहाँ चित्र में देखिए कि ई डेस सी और ई सी ये दोनों बराबर हैं, ये कब संभव है जब ई डेस और ई दोनों क्या हो संपाती, यानी या तो ये ई डेस यहाँ हो जाए या वो वहाँ चला जाए, तो ये तभी संभव है, ई डेस सी बराबर ई सी ये है तभी संभव है, तभी संभव है जब ई डेस व ई संपाती हो, संपाति का मतलब एक के ऊपर एक हो, अतः है हमने ई डेस सी डी ई डेस को समांतर खींचा था रचना में, तो ये दोनों रेखाएं क्या है संपाति है डी ई डेस और डी ई, अतः है डी ई समांतर बी सी इति सिद्धम।